सलाम उस पर जो कहती थी सदा हाय हुसैन सलाम उस पर जो कहते थे सदा हाय हुसैन कहते
सदा आए हुसैन। अली अकबर ने तेरे सामने बरछी खाई। अली अकबर ने तेरे सामने बरछी खाई। कत्ल असगर तेरे हाथों पा हुआ। जनाजे का उठाने वाला ना रहा कोई, जनाजे का उठाने वाला। तने जख्मी तेरा तीरों पर रहा। सलाम उस पर जो कहते थे सदा हाए हुसैन। घोड़े दौड़ाए लाइनों ने तेरे लाशे पर, घोड़े दौड़ाए लाइनों ने तेरे लाशे पर। जैसे तू सिबते पयंबर ही न था। सलाम उस पर जो कहते थे सदा हाए हुसैन। जल गए खैमे छिनी चादरें सामान लुटा। जल गए खैमे छिनी चादरें सामान लुटा। बाद तेरे ये हुई हम पजवा। शब्बीर पे क्या आलम है तन्हाई है। आज शब्बीर पाओ क्या
की चांद पे जहरा के घटा छाई है। उस तरफ लश्करे आदाओं में सफाराई है। या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है। या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है। बरछियां खाते चले जाते हैं तलवारों में। मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों। जख्मी बाजू है कमर खम है बदन में नहीं ताप। डगमगाते हैं निकल जाती है कदमों से रका। प्यास का गलबा है लब खुश्क हैं आंखें पुरा। तेल से देते हैं हर वार का आधा को जवा। तेल से देते हैं हर वार का आधा को जवा। शिद्दते जौफ में जिस जाओ पा ठहर जाते। सैकड़ों तीरे सितम तल से गुजर जाते। सैकड़ों तीरे सितम तल से गुजर जाते। हाय बरछिया कर कोई पहलू में लगा जाता है। मारता है कोई नेजा तो घसा जाता है। बढ़ते हैं जख्म बदन जोर घटा जाता है। बंद आंखें हैं सरे पा झुका जाता है। बंद आंखें हैं सरे पा झुका जाता है। गिर्द जहरा वाली गिरिया कुना फेरते। गुल है घोड़े से इमाम तो जहां गिरते। गुल है घोड़े से इमाम तो जहां गिरते। गुल है घोड़े से इमाम दो जहां गिरते। जी से होता है जुदा दोष मोहम्मद का मकी। चमने फातिमा का सर्व है माइल बसमी। बच्चियां गिर्द हैं और बीच में सरवर दी है। ये नजदीक गिरे मोहरे इमामत का नगी। है ये नजदीक गिरे मोहरे इमामत का नगी। पांव हर बार रकाबों से निकल जाते। याली कहते हैं ज़ैनब तो संभल जा। याली कहती हैं ज़ैनब तो संभल जाते। याली कहती हैं ज़ैनब तो संभल जाते। कहीं दम लेने को साया नहीं है वक्त ज़वा। ऐठी जाती है ज़बां प्यास की शिद्दत है कमा। कभी ज़ैनब का है गम गाह सकीना का खया। दिन जो ढलता है तो हजरत हुए जाते हैं निडा। दिन जो ढलता है तो हजरत हुए
जाते हैं मिसले खुर्शीद बदन जोफ से थर्राता हमारे बुर्जे इमामत पसवाला हमारे बुर्जे इमामत पा सवालाता अमर बुर्जे इमामत पा सवालाता अर्ज करते हैं ये खालिक से के ऐ रब्बे गफू तू है आलिम के नहीं कुछ तेरे बंदे का कुसो करते हैं ये मुझे बेजुर्म खता तेगों से चू हाथ उम्मत पे उठाना मुझको मंजो हाथ उम्मत पे उठाना नहीं मुझको मंजो जानते हैं के मोहम्मद का नवासा हूँ उसका प्यासा हूँ मैं पानी देते नहीं दो रोज का प्यासा हूँ मैं पानी देते नहीं दो रोज का प्यासा हूँ मैं रहम कर रहम के शर्मिंदा हूँ ऐ बारे खुदा बंदगी का जो तेरी हक था अदा हो न सका खौफ महशर से बदन कांपता है सरताप हो गया माल की पुरसिश तो कहूंगा मैं क्या हो गया माल की पुरसिश तो कहूंगा मैं तेरे लायक नहीं पाता है हुसैन हाथ खाली तेरे दरबार में आता हाथ खाली तेरे दरबार में आता है हुसैन हाथ खाली तेरे दरबार में आता है मौलाओं ने सरे इज्ज़त उठाया था ना नेजा एक छाती पा मारा जो किसी ने नागा गश में गिरने लगे घोड़े से इमामे आई खातून ने कयामत की सदा बिस्मिल्ला आई खातून कयामत की सदा बिस्मिल्ला काम ने आए अली खुल्द से घबराए हुए दौड़े महबूबे खुदा हाथों को फैलाए हुए दौड़े महबूबे खुदा हाथों को फैला महबूबे हाथों को फैला आखिरी बार कान में आती थी ज़ैनब की सदाए जा दिल तड़प जाता था जब दर्द से शह करते थे आ राह रोके हुए खैमे की खड़े थे चश्म से करते थे सुए खैमा निगा नीबा चश्म से करते थे सुए खैमा निगा तने जख्मी में जो पैकाने सितम गढ़ते थे खाक से उठते थे और कांप के गिर पाते थे खाक से उठते थे और कांप के गिर पड़ते थे आ
शब्बीर पे। दुख के सागर الحمد لله الذي هدانا ل
تصور عالم اسلام میں عجیب و غریب ہے
नहीं किया जा सका कि मुद्दाए वही क्या है। वो दिलो दिमाग जो इंसान पर जादू के असर को तो समझ सकते थे, वो दिलो दिमाग जो ये जानते थे कि जिनों का साया इंसान पर किस तरह से हो सकता है, वो इंसान जो दूसरे इंसान को सारा के आलम में देखते थे, दौरे की कैफियत में देखते थे, वो इंसान जो दूसरे बीमार इंसानों को ऐसी हालत में पाते थे कि जहां उनको यह कहना पड़ता था कि यकीनन शैतानी असरात हैं, उन इंसानों ने वही का जो अंदाजा लगाया वो ये था कि रसूल के अजीब जिस्मानी कैफियत और तहज्जुआत की एक सूरत होती है वही कि जहां रंग बदले, हालत बदले, मुंह में कफ आ जाए, आंखें सूर्ख हो जाए, तबीयत निढाल हो जाए, अगर नाते पहो तो नाते के पांव रेती में धस जाएं, और अगर अच्छे खासे बैठे हो तो बेख्तियार घबरा कर रोने लगे या रोने की तरफ माइल हो जाए, उसको उन्होंने कहा कि वही आई। कुरान मजीद ने कहा जालना हो नूरन, हमने वही को नूर करार दिया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा अरा नूरल वही, मैंने वही के नूर को देखा, वही नूर है, वही नूर है। और रूह अम्र है, रूहन मिन अम्रना, रूह अम्र है वही कि हम जो कुछ हुक्म देना चाहते हैं हिदायत आम्मा के लिए, सआदत उमूमी के लिए, कयामत तक इंसान की हिदायत के लिए जितने अहकाम हम देंगे उसके लिए वही रूह अम्र, रूह अम्र। अगर उसी अम्र की तजदीद शबहाए कदर में मलाइका के जरिए हो तो ताज्जुब न हो, ताज्जुब न हो। देखिए गुफ्तगू इस वक्त मुफस्सल हो नहीं सकती, मैं अपनी माजी की सारी तकरीरों को पटेल पार्क की एक जगह कर रहा हूं और खुलासतन एक ऐसे हिस्सा कलाम को पेश करना चाहता हूं कि जो हद दर्जा बलीग हो जाए ताकि जिसके मानी वसी हो, मफहूम वसी हो और बाद में गौर करने वाले अहबाब गौर कर ले। पूरी तकरीर रमजियत है, पूरी तकरीर इशारियत है, इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता, वक्त कम है, उनवान वसी है, मगर आप पर भरोसा है, आपकी अकल पर भरोसा है, उन पर भरोसा है जो सुनते सुनते अपने ताकुल पर नाश करने के आदी है, इसलिए कि अकल अव्वल से वाबस्ता है। मैं यह कर रहा था कि वही नूर है, रूह है, अम्र है, सिलसिला अम्र बाकी है, तनज्जुल मलाइकतु वर्रूह, हर शबे कादर मलाइका और रूह आ रहे हैं, अम्र को लेकर नाजिल हो रहे हैं। अब ये अम्र पहाड़ों के लिए है, सहराओं के लिए है तो और बात, और अगर अलामयशा मिन इबादही है तो यकीनन कोई साहिब अम्र है, यकीनन कोई साहिब अम्र है, जहां वही तशरीरी की जरूरत नहीं, कुरान आ चुका, जहां वही तशरीरी की जरूरत नहीं लेकिन उस वही तौसीरी की जरूरत है कि जहां इफ़हाम हो, तफहीम हो, तफासील हो, हर रोज, हर सुबह, हर शाम के अहकाम हो और यह बतलाया जाए कि इस तरह से बंदों की हिदायत लाजिम है। तो अब हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वही नूर है, वही आई रूह अम्र को लेकर, यह वही की दो सूरतें थी। इस वही से पहले आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है, आप नहीं जानते थे कि ईमान क्या है, इस बात से कि न तो आपने किताब का तस्करा किया था, न आपने कबले नबूवत ईमान का तस्करा किया था, तो पता चला कि किताब को ईमान से और ईमान को किताब से अलग रखने में कोई रमजियत है, किताब ईमान नहीं है, ईमान किताब नहीं। अगर कोई शख्स कहे मेरे घर में किताब है तो उसका साहिब ईमान होना जरूरी नहीं।
معلوم تھا کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اگر قرآن و ایمان ایک ہوتے تو ایک ہی لفظ کافی تھا. تو نہیں جانتا تھا کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے. مگر جب ہم نے وحی کو نازل کیا تو نے ایک طرف قرآن کا پیغام سنایا, دوسری طرف قرآن پر عمل کرنے کا وہ راستہ دکھلایا کہ جس راستے پر چل کر انسان صاحب ایمان ہو. کتاب علم ہے, ایمان جانے عمل ہے. ایمان جانے عمل ہے, علم عین عمل نہیں. علم عین عمل نہیں, عمل عین علم ہے. علم عمل کی طرف راہبری کرتا ہے مگر علم میں عمل نہیں ہے. مگر جو عمل کرتا ہے وہ یقیناً علم رکھتا ہے. اور پھر وہی پر عمل کرنے والا, تھوڑی سی توجہ, وہی پر عمل کرنے والا جان رہا کہ حواس کے ذریعے سے جو علم آ رہا ہے وہ محدود ہے, اقتصادی ہے. یہ ماورا ہے حصہ محصول جو علم ہے وہ بغیر وہی نہیں آ سکتا. ماورائے حس و محسوس آپ کے سینسز کے بیانڈ جو علم ہے وہ آپ کو بغیر وحی کے نہیں آ سکتا. جب وحی کے ساتھ وہ علم آیا کتاب کی صورت میں تو زمانے کی قید سے بلند ہو کر آیا, مکان کی قید سے بلند ہو کر آیا, زمانے کے لامتناہی سلسلے پر محیط ہو کر آیا اور مستقبل میں ہر دور میں اس حکم کو لے کر آیا کہ جہاں ہر دور کا آدمی یہ سمجھے کہ یہ کتاب کا حکم ہمارے لیے تازہ ہے اور اس کتاب میں ہماری زندگی موجود ہے. تو ہم نے تجھ کو وحی کی دولت سے عطا کیا. اس کے بعد پتا چلا کہ یہ کتاب ہے, یہ ایمان ہے. اگر تو طہٰ کی آیتیں پڑھ کر سنا ہے کہ طہٰ ما انزل علیک القرآن لتشقى تو وحی ہے. اور اگر ایمان کی رائے بتلا کر اگر تو یہ کہے حب علی جن ایمان تو وہی ہے, وہی ہے. اگر کوئی اس وحی کا منکر ہے تو اس کو اس وحی کا بھی منکر ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ کوئی آپ نے تیرے مزاج کو پہچانا ہی نہیں, اس نے تیرے مزاج کو پہچانا ہی نہیں. ہم لم یعرفوا رسولہ کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون کہ وہ رسول کا انکار کر رہے ہیں. وہ غور کر پہچاننے کی کوشش کریں کہ مقام رسالت کیا ہے. مقام رسالت یہ ہے, بہت غور سے سنیے, مقام رسالت یہ سورہ یوسف, پورا مسلسل قصہ یوسف کا, بارواں سورہ قرآن کا. اور اس کے بعد آخری آئے قل کہہ دو اے رسول ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف, اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی اس بصیرت کے ساتھ جو مجھے حاصل ہے اور جو میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے. ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے. اور وہاں ارشاد ہوتا ہے صراط اللہ, اللہ کا راستہ ہے. اب اگر کوئی رسول کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں فرق کرنا چاہے تو یہ اس کی مرضی. مگر رسول کہتے ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, اللہ بصیرت انا جس بصیرت سے میں ہوں, میری بصیرت کے مطابق. اب آپ اندازہ کر رہے ہیں اگر بصیرت رسول خلاف وحی ربانی ہے تو, اگر بصیرت رسول خلاف وحی ربانی ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسالت ختم ہو گئی. صرف میری بصیرت پر نہیں, وہ من اتبعنی جو میری پیروی کرے اس کی بصیرت. اتباع کی منزل کیا ہے؟ فمن تبعنی فہو منی, جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے, وہ مجھ سے ہے. تو رسول اپنی بصیرت پر بلا رہا ہے تو بصیرت رسول پر حملہ ہوگا, وحی ربانی پر حملہ ہوگا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نوازوں کو چاہتے تھے اس لیے کہا حسین منی وانا من حسین,
बेटी को चाहते थे, इसलिए कहा फातिमा तो फिजातुल मिन्नी मन आजा फकत आजानी, दामाद को चाहते थे इसलिए कहा अली जुल मिन्नी वाला मिन हो, बड़ा हमला होगा पैगंबर पर, मुसलमान होशियार हो जाए। ये बसीरत रसूल है, ये बसीरत रसूल है, अब वो जिस मसलहत से जहां चाहे दावत दे, ये बसीरत रसूल है, जहां चाहे जिस मसलहत से चाहे दावत दे। अगर शुजात की मंजिल पर लाना चाहे अहले बैत को तो खैबर में अली को भेज दे, और अगर मुबाहिले की मंजिल पर लाना चाहे बद्दुआ की तो इस तरह से पंजतन बाहर आ जाए, और अगर सुलह की मंजिल पर लाना चाहे तो हुदैबिया की मिसाल कायम करके हसन को आमादे सुलह करे और बतलाए कि ताबुन बयात नहीं। बतला दे कि ताबुन बयात, अल्लाह बसीरत ही ना, ये मेरी बसीरत, बसीरत जैसे चाहूं दावत हूं, वही रब्बानी के मिजाज को समझता हूं, मैं जानता हूं कि वही रब्बानी का मिजाज क्या है, ये मेरी बसीरत है। मैं अगर किसी को नजदीक बुलाता हूं, एतराज ना करना कि जानबूझ के क्यों बुलाया, किसी को अगर पहलू में जगा दी तो एतराज ना करना कि जब आपको सारा इल्म था और जान रहे थे कि कल ये होने वाला है तो इतनी गुर्बत क्यों दी। बसीरत रसूल है, बसीरत रसूल यह है कि मुजाहिमत पर मुजाहिमत रसूल खुद पैदा कर रहा था ताकि अली उभरे, फातिमा का नाम रोशन हो, हसन हुसैन दुनिया में आए। मालूम नहीं क्या क्या कह रहा हूं और किस रमजियत के साथ कह रहा हूं, मगर इस यकीन के साथ कह रहा हूं कि समझने वाले इसको महफूज करेंगे, और जहां जहां यह पैगाम जा रहा है वो उसको बार बार सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये बसीरत रसूल है, खिलाफ वहय रब्बानी ये बसीरत जा नहीं सकती। अला बसीरत अना व मनी तबानी, इस बसीरत का हवाला दिया सूरह यूसुफ में, और उधर सूरह नूर में कहा ला तजालू दुआ और रसूल बैनकुम कदुआए बाज़कुम बादा, रसूल अगर पुकारे तुमको अपनी तरफ तो ये ना समझो कि जैसे दोस्त दोस्त को बुला रहा है, खबरदार अगर रसूल बुलाए तो ये ना समझना कि दोस्त दोस्त को बुला रहा है, टाल दो नहीं। قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا, अल्लाह जान रहा है कि जब रसूल पुकारता है तो तुम किस तरह चोरों की तरह से बच के निकल जा रहे हो। सूरह नूर قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا, अल्लाह देख रहा है, जान रहा है कि जब रसूल पुकारता है तो तुम सफों के पीछे से गर्दन झुका के आहिस्ता से मस्जिद के बाहर निकल रहे हो। فليحذر الذين يخالفون عن امره, बस उसके हुक्म की मुखालिफत करने वाले जान ले। मैं क्या बतलाऊं, ये कुरान है। فليحذر الذين, हजर करें वो लोग, يخالفون عن امره, امر ना नहीं है, जो उसके अमर की मुखालिफत कर रहे हैं वो जान ले। अंतुसीबहुम फितनतुन और युसीबहुम अजाबुन अलीम, या तो वो बदतरीन इम्तिहान में मुब्तला कर दिए जाएंगे या दर्दनाक अजाब उनको घेर लेगा। कज़ालिका औहैना इलैका रूहन मिन अम्रिना, हमने अपने अमर की वही की। फलयहज़रिल लदीना युखालिफूना अन अम्रिही, हज़र करें वो लोग जो उसके अम्र की मुखालिफत कर रहे हैं, यानी अम्र रसूल और अम्र खुदा में फर्क नहीं है भाई साहब, अम्र रसूल और अम्र खुदा में फर्क नहीं है। अब इस मंजिल पर वाह्य रब्बानी में ताकुल का नतीजा यह निकला कि अक्ल इंसानी की तकलीफ नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए ताकुल किया तो पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह का लाजमी नतीजा यह है कि रुबूबियत हो, रुबूबियत का लाजमी नतीजा यह है कि अदालत हो, अदालत का लाजमी नतीजा यह है कि रसूल भेजे, रसूल जब आए तो रिसालत का लाजमी नतीजा यह है कि वो रसूल महबूब हो, मफ़ऊन हो, मामून हो, मासूम हो। और जहां इस मंजिल पर आए तो पैगाम क्यों रुके, पैगाम क्यों रुके जबकि मासूम यह तय कर ले, जबकि मासूम यह तय कर ले कि इस पैगाम को आगे बढ़ाना है, इस सिलसिले हिदायत को आगे बढ़ाना है। और इस तरह से मैं यह ऐलान नहीं करूंगा कि अगर मैं अल्लाह का रसूल हूं तो यह मेरा वसी है, मैं यह ऐलान नहीं करूंगा कि अगर मैं अल्लाह का नबी हूं तो यह मेरा जानशीन है, यह मैं ऐलान नहीं करूंगा कि मैं आदम का बेटा और
خیر بشر ہونے کے اعتبار سے اگر خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں تو یہ میرا خلیفہ ہے نہیں, ایک ایسے لفظ کو پیغمبر نے چن لیا جو اعجاز ہے تاریخ اسلام میں, اور کہا اگر میں تمہارا مولا ہوں, اگر میں تمہارا مولا ہوں تو یہ مولا ایک ایسے لفظ کو چن لیا جہاں تاجداروں کی یہ جسارت نہ ہو سکی, جہاں شاہوں کی یہ جرات نہ ہو سکی, جہاں شاہین شاہوں کو یہ گمان بھی نہ جا سکا کہ ان کے سارے القاب میں کہ وہ القاب لکھیں خاقان ابن الخاقان ابن الخاقان سلطان ابن السلطان ابن السلطان, وہ اپنے کو لکھیں سکندر سولت دارا حشمت بابر باپ فلاطون فکر, جو چاہے لکھ لے, مگر نہ خلفاء نے نہ ملوکیت نے اپنے لیے اس لفظ کو پسند کیا. جان رہے تھے کہ اس لفظ کو چن لینا آسان مگر اس لفظ کا صرف مشکل ہو جائے, صرف مشکل ہو جائے, اس لیے ہر تعریف کے لقب کو پسند کیا مگر اپنے لیے لفظ مولا کو پسند نہیں کیا. اگر مولا کو پسند کر لیتے تو کسی ایک کے نام کے ساتھ مولا لگا کے دیکھیے, کہیں زید دیتا ہے نہیں دیتا, تو اس کے معنی یہ پیغمبر نے ایک لفظ کو پسند کیا اور کہا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا, اور جس کا میں مولا نہیں ہوں اس کا یہ مولا نہیں ہے, سلسلے کو لے کے چلو قیامت تک. توحید کا اطلاق وحدت افکار, رسالت کا اطلاق وحدت کردار, ولایت کا اطلاق قیام امر الہی, اس کے امر کو لے کے جانا, اس کے امر کو لے کے جانا ہے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جب علی ابن موسیٰ رضا سے مامون کے دربار میں علماء نے پوچھا کہ حسین ابن علی نے وقت شہادت جو انگوٹھی پہن رکھی تھی اس نے کیا لکھا تھا, امام نے کہا اس پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی ان اللہ بالغ امرہ, خدا اپنے امر کو پورا کرتا ہے. یہ ہے تسلسل فکر, یہ ہے آل محمد کا سلسلہ فکر, کہ جہاں کسی مقام پر سلسلہ نہیں ٹوٹتا, سلسلہ نہیں ٹوٹتا. توحید کے ساتھ عدل ہے, توحید کے ساتھ بدا ہے. اگر توحید کے ساتھ کوئی عدل کا انکار کر دے تو وہ محمد کو معصوم نہیں سمجھتا. جو خدا کو عادل نہیں سمجھتے وہ اسی لیے نہیں سمجھتے کہ محمد کو معصوم سمجھنا پڑے گا. محمد معصوم ہے, ہماری جانیں ان پر قربان, یہ سب کچھ ان کے لیے, یہ سب کچھ ان کے لیے ہے. نام حسین کا محمد, ذکر حسین کا تصدیق محمد کی. عقل ہے عقل, عقل سے کام لو, عقل کی تعریف جانتے ہو, وہ نعمت کہ یصدق بہ من صدق للہ ویکذب بہ من کذب للہ. عقل کا کام یہ تصدیق کرے کہ اللہ پر سچ کون بول رہا ہے, عقل کا کام یہ کہ تکذیب کرے اس کی جو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے. یہ عقل کا کام, تصدیق کرے کہ خدا کی نسبت سے کون سچ بول رہا ہے, خدا کی نسبت سے کون جھوٹ بول رہا ہے. تو اس عقل کے ساتھ اگر آگے بڑھنا ہے تو حتمی مرتبہ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے ایک مرتبہ نظر علی پر ہو, سیدہ کی زندگی پر نظر ہو, حسن حسین کی زندگی پر نظر ہو, اور اس طرح سے ائمہ اثنا عشر پیش نظر رہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. مجلس عام ہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, مگر مجلس جذب نہیں ہے. کہیں جا کے جذب ہونا نہیں ہے, کہیں جا کے جذب ہونا نہیں ہے. گفتگو خلافت پر نہیں ہے, تاریخی حقائق کا کون انکار کرتا ہے؟ چند ہیں تاریخی حقائق, مگر عقل کا کام یہ ہے کہ اس سلسلہ تاریخ میں یہ بھی دیکھے, یہ بھی دیکھے کہ اگر عقل ہے تو عدل ہے,
और अगर अदल नहीं है तो जुल्म है। वो कैसा हैवान होगा जो जुल्म की तारीफ करे, वो कैसा हैवान होगा जो जुल्म की तारीफ करे, जो बार बार जुल्म की तौसीफ करे और जो सागर को बुला बुरा कहे और जो बार बार ये कहे कि जो कुछ किया अच्छा किया, अच्छा किया जालिम ने अच्छा किया, तो ये गुफ्तगू इंसानों की तो नहीं मालूम होती। अब अगर 40 करोड़ मुसलमानों की अक्सरियत इस किताब के लिखने वाले का साथ दे दे तो हक हक है और बातिल बातिल। आप समझ रहे हैं, इससे ज्यादा इस मसले में कुछ नहीं कहना। फकत इस वास्ते कि अगर हम बिल्कुल ये खत्म कर दें इसको तो फिर मुजाहिमत कहां रहेगी। बसीरत रसूल का तकाजा यह है कि हर दौर में मुजाहिमत रहे, हर दौर में मुजाहिमत रहे ताकि आप आगे बढ़ें। इसलिए हम गुज़श्ता 12 बरस से जो कह रहे हैं और पटेल पार्क की सारी तकरीरों में जो टेप रिकॉर्ड हमारे महफूज है, जो आवाज बुलंद की थी वो आज भी है, वो ये कि हम अदल चाहते हैं। ला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू एदलू, किसी कौम की दुश्मनी कहीं तुमको अदल से ना हटा दे, किसी कौम की दुश्मनी कहीं तुमको अदल से ना हटा दे, अदल करो, यही तकवा है। और अगर मुलुकियत की राहों पर चलना है और अगर शहनशाहियत के रास्ते पर चलना है तो वो और बात है, लेकिन मैंने ये वादे कर दिया कि इस्लाम में वाकई शाही रही है, मुलुकियत नहीं है, जमहूरियत का नाम नहीं रहा। मैंने वादा किया वो बनी उमैया हो कि बनी अब्बास, वो सलजूकिया कि गजनविया, वो सासानी हो कि सामानी, वो उबैदिला हो कि तुर्कान तातार, 1923 तक शाही को लेकर आए। या बादशाह अच्छा रहा तो सब अच्छे थे, जब उसका मिजाज बिगड़ा तो दुनिया बदल गई। इसके बाद 200 बरस की अंग्रेजों की गुलामी तो पहले से थी, मगर 24 बरस की गुलामी हमने बर्दाश्त की हिंदुस्तान में, वो हकाती जमहूरियत। और फिर उसके बाद आज तक किस जमहूरियत का खाद देख रहे हैं, शख्सी हुकूमत है, शख्सी अगर हुकूमत है तो अगर मुस्तबिद है तो बदतरीन है। आप समझे, और अगर अदल के करीब है तो यही तमन्ना है कि कमजोर कौम को देखकर जुल्म न करो, जुल्म न करो, मसाइल बाकी हैं, मसाइल बाकी हैं। दीनियात का मसला है, मुलाजमतों का मसला है, हमारे मालूमात में से जितनी चीजें सामने हैं कई ऐसे मसाइल हैं जहां हुकूक पामाल हो रहे। लेकिन एक बात जान लो, यही समझ के आगे बढ़े चले जा रहे हैं कि सैयदुश्शुहदा के नक्श कदम पर चलते हुए, सब्र को अपना मेयारे जिंदगी बनाते हुए हम ये समझ रहे हैं कि शायद कभी हवाए जमाना बदले और शायद कभी दुनिया ये समझने के काबिल हो जाए कि मजलूम पर ज्यादा जुल्म अच्छा नहीं, मजलूम पर ज्यादा जुल्म अच्छा नहीं। हुसैन कुछ कम मजलूम है कि अभी तक आप ये कहेंगे कि न रो, न मातम करो, नाम न लो, जिक्र न करो। अजीब बात है कि मजलिसों में आने वाले वहां तक तो लज्जत महसूस करते हैं जहां तक मंतकी इस्तेदलाल जाए, और जहां से एक मरतबा गुफ्तगू विलायत की छिड़े, अभी खिलाफत की नहीं, खिलाफत की नहीं, फकत विलायत ही की मंजिल पर, विलायत ही की मंजिल पर। आखिर ये मंजिल क्यों खौफनाक है, किस किस वली की विलायत छिन रही है, किस किस वली की विलायत छिन रही है, क्यों परेशानी है विलायत से। मगर जहां विलायत की गुफ्तगू छिड़ी और एक मरतबा आहिस्ता से ये कह के चले कि भाई सुन लिया, विलायत ही की मंजिल से उठ गए तो शहादत का क्या मकाम, शहादत का क्या मकाम है।
इसलिए कि शहादत विलायत के साथ, शहादत विलायत के साथ है। अजीजान ग्रामी, हम उसी मौकफ पर हैं और इंशाअल्लाह हुसैन के सपने में उसी मौकफ में रहेंगे। तकरीर इसलिए नहीं है कि सिर्फ जज्बात की हामिल, तकरीर इसलिए है कि उसमें मसाइल है। हम हक के साथ हैं, हमारा मौला हक के साथ था। और वो कि जिसके लिए खतनी मतबत ने कहा, देखो ये है कुरान, ये है ईमान, ये है ईमान। कुरान की तारीफ तो आपको मालूम है, ला रद्दिन वला यबसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कोई तर और कोई खुश ऐसा नहीं जो किताब मुबीन में ना हो। और ईमान की तारीफ, ईमान की तारीफ बड़ी तफसील, बड़ी तौजी, बड़ी तशरीह के साथ लोगों के दिलों में हो तो हो, मगर दुनिया को सुना दो ईमान की मुख्तसर सी तारीफ, हुब्बु अली जिन ईमान, अली की मोहब्बत का नाम ईमान है। अली की मोहब्बत का नाम ईमान है। जहां ये मोहब्बत आ गई ईमान है, और जहां ईमान आया उस ईमान से अपील है। मेरे जुमलों को समझने की कोशिश कीजिए, हमारी कोशिश यह है कि अली की मोहब्बत दिलों में पैदा करवाई जाए। अगर मोहब्बत आ गई तो ईमान आया, अगर ईमान आया तो ईमान वालों की तरफ से अपील है, और अगर ईमान नहीं तो बे ईमान से क्या अपील। आपने अभी अपनी तबीयतों को नहीं पहचाना, आपने अभी अपने मिजाज का अंदाजा नहीं किया कि आपका मौकफ क्या है। आप हरकस और नाकस की तरह तिनकों के सूरत आप धारे पर बहने वाले नहीं हैं। आप जमाने के सैले रहा पर एक बेमाया पत्ते की सूरत नहीं रखते। आप जहां जाते हैं अपने को मनवाते हैं, आप जहां बैठते हैं अपने वजन को बतलाते हैं। इतना वजन है, यह फिक्र है, ये इस्तदलाल है, ये अकल है, ये इल्म है, ये हमारा दावा है। इस वास्ते कि ये घराना इल्म का घराना, इल्म का घराना है। हमने किसी मंजिल पर किसी जाहिल को वली नहीं बनाया। मशहूर मकोला बार बार आपसे कहा है, इन्नल्लाह ला यत्तकिलो जाहिलन वलिया। खुदा जाहिल को वली नहीं बनाता, खुदा जाहिल को वली नहीं बनाता। जहल की दो किस्में हैं, या जहल बसीत है या जहल मुरक्कब है। जहल बसीत यह है कि अलिफ बे भी ना आए, जहल मुरक्कब यह है कि न जाने और जाने के जान रहा हूं। तो जहल बसीत में कितने वली, जहल मुरक्कब में कितने वली। सब काबिले तहजीम इस एतबार से कि अखलाक हमारा शार है, मगर सबकी बात काबिले अमल नहीं। वाजिब तहजीम सब होंगे वली, मगर अमल कैसे करें। अमल इल्म से वाबस्ता है, अमल इल्म से वाबस्ता है। कोई आलिम वली हो तो सर झुक जाए, सर झुक जाए। और फिर हम एक कायदे अपनी के कायल है, तरजीह है बिला मुरज्जह नहीं है। मैंने किसी को किसी पर फजीलत दो तो कोई इल्लत हो, किसी को किसी पर बुजुर्गी दो तो कोई सबब हो, बिला सबब किसी को कोई बुजुर्गी नहीं देगा। तो जब एक मर्तबा आलिम वली मिल जाए तो फिर क्या बात है कि किसी जाहिल को पकड़ के उस पर फजीलत दी जाए। तरजीह है बिला मुरज्जह हुआ, और ऐसा कौन कर सकता है जो खुद जाहिल हो। अजीदो, इस मजमे में सब एमए नहीं है, इस मजमे में सब ग्रेजुएट नहीं है, इस मजमे में सबों के पास आला जामियाती असनाद नहीं है, मगर इल्म है। मगर इस मजमे में इल्म है, इसलिए नहीं कि उनसे दादो तहसीन ले रहा हूं खुदा की कसम। चुप हो जाओ तो जब भी यही कहूंगा, इस मजमे में इल्म है इसलिए कि मोहब्बत इल्म है। इसलिए कि मोहब्बत इल्म, क्यों इल्म है, इसलिए कि मोहब्बत दीन है। इमाम सादिक फरमाते हैं, हलिल हुब इल्लत दीन, वो हलिल दीन इल्लत हुब।
कोई मोहब्बत है बगैर दीन के? क्या कोई दीन है बगैर मोहब्बत के? तो मोहब्बत करने वालों का इल्म अब न जांचा जाए, अब उस इल्म का इम्तिहान न लिया जाए, और अगर इम्तिहान मंजूर हो मोहब्बत का तो किसी और का नाम लेकर एक दो जंजीरें तो कोई मार ले। छोटे छोटे हैं, औरतें साथ हैं, 47 के बाद 18वां साल आ रहा है। कितने आदमी बसों में कुचल के मर गए, कितने आदमी ट्रैफिक के हादसात की नजर हो गए, कितने आदमियों को छुरी का निशाना बनाया गया, कहां खंजर भोंके गए, इंसान कहां नजरे इस कद्दाद होके मर गया। 1347 से 1965 के आदाद शुमार निकालो और देखो कि हादसा की क्या तादाद है, और 1947 से 1965 तक जंजीर लगाने वालों को देखो, उस पर जंग है, उसको साफ नहीं किया गया है। एक मामूली इंजेक्शन देने वाला कई मरतबा चाहता है कि वो सेप्टिक ना हो जाए, धो साफ करो जलाओ, जंजीरों को कभी देखा? मिट्टी में पड़ी हुई थी। एक मरतबा 10वीं की सुबह आई, बाप ने बेटे से कहा अरे भूल गए निकाल। हुसैन हुसैन हुसैन। अजीजो आप ये समझते हैं कि मैं आपके जज्बात से खेल रहा हूं? इस मजलिस के मजमे को देखकर मैं कह रहा हूं मैं नहीं रहूंगा रास्ते पर, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, मेरी सेहत खुदा की कसम इजाजत नहीं देती कि मैं आपके साथ साथ रहूं, वरना मेरा दिल, मेरी निगाहें, मेरा दिमाग सब आपके साथ है। मैंने कभी साथ जाने की कोशिश की, देखा कि आजमाना हो तो वहां आजमाओ, वहां आजमाओ। पांच पांच सात सात बच्चे, वो जंजीरें, किसी और के नाम में ये हिम्मत है, ये ताकत है, ये सलाहियत है, ये कुव्वत है? तो अब इम्तिहान न लो, अब इम्तिहान न लो। हमको किसी दरसगाह के किसी हॉल में जाके बैठने की जरूरत नहीं है। बंदर रोड का रास्ता हमारे लिए इम्तिहान का। इम्तिहान हर साल दे रहे हैं, और ये अजीब बात है कि हर साल इम्तिहान दे रहे हैं और फिर लिया जा रहा, और फिर तसल्ली नहीं होती, फिर तसल्ली नहीं होती, एतराज पर एतराज। तो अब एतराज का वाहिद जवाब, जहां तक इल्म है, जहां तक ये इस्तेदलाल है, मगर खुदा की कसम ये मेरी सारी तकरीर है। हेज हेज उस एक जख्म के मुकाबले जो गिरती हुई जंजीर किसी के सीने पर और किसी के पुश पर लगा। अब आप समझ गए मैंने क्या कहा। मेरी सारी तकरीर, मेरा सारा इस्तेदलाल है। आओ आओ, ये शहादत आईनी है, शहादत आईनी है। एक रात रुक जाओ, एक रात रुक जाओ, मगर दोस्तों नज़्म रहे, ज़ब्त रहे, इम्तिहान देने का सलीका भी रहे। कहीं हुदूद से आगे न बढ़ना, हुदूद से आगे न बढ़ना। शुजात हुसैनी के साथ सुलह हुसैन हसन भी साथ साथ है, इसलिए कि फकत सैयदु शुहदा ही की मोहब्बत नहीं, हसन सब कबा से भी मोहब्बत। इसलिए ये इन हदों में हम हैं।
इन हदों में हम हैं और नमी आ गई, मुहर्रम की नमी आ गई। एक एक दिन, एक एक दिन, एक एक का मातम किया। पहले सफर सैयद शहदा पर गुफ्तगू हुई। किसी दिन यह गुफ्तगू रही कि हाय बीमार बेटी रह गई घर। किसी दिन यह गुफ्तगू रही कि हबीब इब्न मुजाहिर कैसे आए। किसी दिन यह गुफ्तगू रही कि हुर की शहादत कैसे हुई। और जब बनी हाशिम का जिक्र की मैंने किया तो अली अकबर की शहादत बयान हो चुकी, अली असगर का जिक्र हो चुका, कासिम इब्न हसन की लाश हुसैन ला चुकी, अली असगर को दफन किया, फुरात के किनारे भाई को रो चुके। नजर यमीन व यसारा, बाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, आवाज दी या तौल सफाई व या फुरसान लाए जाओ। अरे पहलवानों ने मैदान कारदार और अरे शुजान रोजगार, माली उनादी कुम फला तुजीबूनी, क्या बात है हुसैन तुमको पुकार रहा है और तुम जवाब नहीं देते। अमाम नासरिन यंसुरना, कोई है हमारी मदद करने वाला। आपको जहमत दी, मेरे मुआलिज जान रहे हैं कि मैंने किस हाल में यह तकरीर की है। मेरे करीब रहने वाले अहबाब को इल्म है कि किस ताकत ने मुझे हुक्म दिया कि आज मैं आपको इस तरह से खिताब करूं। हर तरफ देखा, पर नजर यमीनन व यसारा, दाहिने जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, आवाज दी फमा जाबू, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो एक मतलबा पुकार के कहा कोई नहीं है मदद करने वाला। दूर से देखा फुरात के किनारे एक लाठा था। फुरात के किनारे एक लाठा खड़ा हो गया। आवाज दी अब्बास, अब्बास, भाई की तन्हाई पर परेशान हो गए। अब्बास सो जाओ, न हो बेचैन, चैन आता है दो घड़ी में, हुसैन आता है। ये कह के बे अख्तियार हुसैन इब्ने अली खैमे की तरफ मुड़ गए। कनीज ने खैमे के पर्दे को उठाया, देखा बहने डरे, खैमा ही पर मातम गुना खड़ी है। एक एक को हसरत से देखा, खामोश खामोश, बीबियों को हटा के एक और खेमे में गए। वहां देखा कि बीमार बेटा गश के आलम में पड़ा हुआ है। सरहाने बैठ गए, पहले पेशानी पर हाथ रखा, देखा कि पसीना जारी है और अब के खतरे जबीने रोशन पर सितारों की तरह चमक रहे हैं। बाजू को थामा, सूरह हम्द की तिलावत की और कहा मेरे लाल अल्लाह तेरा निगहबान। आंखों के आंसुओं के खतरे अभी तक बीमार के चेहरे पर गिरे, बे अख्तियार आंखें खोल दी, कहा बाबा आप और आप जख्मी हो गए। बाबा आप जख्मी हो गए। मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मगर तवज्जो दिलाना मेरा काम है। मैंने रात को भी किसी तकरीर में अर्ज किया, दिल ही जाया तो दिल मुतमइन थे, अब आ रहा है मुहर्रम, अब करेंगे सैयद शहदा का मातम, अब मनाएंगे हम, अब हमारे बच्चे कहेंगे हुसैन हुसैन, अब हमारे अदा खानों में रौनक आएगी। यहां तक के मुहर्रम का चांद नजर आया, तो कहा चलो अब खिदमत करेंगे। शौक से काम किया, बड़े शौक से खिदमत की, पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, जैसे जैसे दिन गुजरते चले एक मरतबा अब ख्याल आया, हाय वक्त चला गया, खिदमत न हो सकी। क्या कहे जहरा के लाल से और क्या कहे उस बीबी से जो इसी मजमे में शायद कहीं हो। ये कहते हुए कि खुदा
अब वक्त नहीं है, अब यह दिन आपका जुलूस में है, शाम को कुछ मजलिसें हैं, कल आप खाक उड़ाएंगे। कोई है माजरत, कहीं है उज्र काही का मकाम के जाने दारा खुदा हाफिज। हमसे मातम ना हो सका। आबिद बीमार ने कहा, बाबा जख्मी हो गए। बाबा क्या भाई अली अकबर चले गए? कहा हां बेटा। हां कहा बाबा क्या कासिम भी मारे गए? कहा बाबा क्या आपके अंसार सब मारे गए? कहा हां। मैं फटवा घबरा के कहा बाबा क्या चचा जान भी गए? क्या चचा अब्बास भी गए? कहा हां बेटा वो भी मेरी कमर तोड़ गए। इतना सुनना था कि एक मतलब घबरा के खड़े होना चाह पर माया आबिद बीमार मेरे हाथ की कसम ले। मेरे हाथ की कसम लेट जाओ आबिद बीमार लेट जाओ आबिद बीमार को अपने हक की कसम दी। बहनों के पास आए ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना रुकैया तुम सबको हुसैन का आखिरी सलाम आखिरी सलाम पहुंचे। ये घराना जान रहा था कि पंजतन पाक में अब यही तनहा है। ये अली का सलाम नहीं है, ये हसन का सलाम नहीं है, ये हुसैन का सलाम है। ये आखिरी सलाम है, वाकई आखिरी सलाम। तुम सबको मेरा आखिरी सलाम पहुंचे। बच्चे सहम गए, बीबियां रोने लगी। अली की बेटी शकीकतुल हुसैन नायबतुल जहरा को करीब बुलाया। देर तक गोशे अकदस में कुछ फरमाते रहे और उसके बाद कहा जैनब मेरा काम था, मैं काफिले को मदीने से करबला तक लाना। जैनब अब तुम्हारा काम, इन बच्चों को संभालो, काफिले को लेकर कूफा जाओ, कूफे से शाम जाओ, शाम से मदीना जाओ तो मेरे नाना को मेरा सलाम दे। मेरे नाना को मेरा सलाम कहना। अच्छा जैनब खुदा हाफिज। तो कहा मेरे आका माजार मेरे सरदार। बरादरे ग्रामी पंजतन पाक की आखिरी निशानी आका मेरे लिए भी एक वसीयत है, मेरे लिए भी एक वसीयत है। आका इधर आइए इधर आइए। हुसैन इब्ने अली नजदीक आए, काका बैठ जाइए। हुसैन इब्ने अली जमीन पर बैठ गए। बहन तीन मरतबा सदके हुए और एक मरतबा कहा फातिमा के लाल जरा सर को तो बुलंद कीजिए। हुसैन ने सर को बुलंद किया तो एक मरतबा दाहिने हाथ का गले पर रखा, कहा मेरी मां की वसीयत है। मैंने बहुत सहमत दी, मैंने बहुत तकलीफ दी, खुदा तुमको आबाद रखे। मैं कल दुआ न दे सकूंगा, कल खाक उड़ाने का दिन है, मैं तुम्हारे लिए कल दुआ न कर सकूंगा। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को परवान चढ़ाए, अल्लाह तुम्हारे बीमारों को शफा दे, अल्लाह तुम्हारे बेरोजगारों को रोजगार दे, अल्लाह तुम्हारी गुर्बतों में सहारा बन जा। सिवा आले मोहम्मद के तुम्हारा कोई नहीं, मैं तुमको आले मोहम्मद के हवाले कर रहा हूं। ये कह के बेइख्तियार खेमे के दरवाजे पर आए, आवाज दी हल मई अवधि मोहिलैया जवादी, कोई है मेरे घोड़े का लाने वाला? हम आ जाबू कोई न था, घोड़ा गर्दन डाले सामने आया। बहन खेमे से बाहर निकली, रखा आपको थाना काली के लाल धड़ा हो रहा। आखिरी मंजिल घोड़े से कहने लगे सुलझनाब ये मेरी आखिरी सवारी है, मेरी आखिरी सवारी है, अब जहमत नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता चल, रुक रुक के चल, थम थम के चल, तेरा देख लू अब्बास कहां है।
रखने वाली अंबर कहाँ है? रुक रुक के चल, मगर घोड़ा नहीं चलता। कहने लगे गुलजना, कुछ कहना है। उसने सर को झुका दिया। अब जो आका ने देखा, देखा तीन बरस की बच्ची खत्म हो गई।